फ्रेंड अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो तरीके की सलवार बनाना सिखाऊंगा जिसकी कटिंग मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, पटियाला सेमी पटियाला एंड सिंपल सलवार, उसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे से कमेंट्स करके सवाल करते हैं, सबसे पहले कि अगर कोई तीरे के अकॉर्डिंग पूछना चाहता है बाजू आर्मोल कितना रखें, तो आप ब्रेस्ट तैयार नाप, ठीक है। अगर आप गलत नाप बताएंगे और सूट खराब होगा, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं आपको हर बार नहीं बता सकता। आप ब्रेस्ट तैयार नाप, बैक गला डीप, फ्रंट गला डीप जरूर लिखें। और अगर मैं उसमें कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है, जो मेरे को समझ नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें कि आप मुझे समझा नहीं पाते, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ तो प्लीज़ मेरे को रिप्लाई करें। अलग अलग 10-10 जगह कमेंट ना करें। मेरे पास रोज़ के 200-300 कमेंट्स आते हैं, तो मुझे इन सबके जवाब देने होते हैं। अगर आप मेरे को अलग अलग कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे को रिप्लाई ही करें, अलग अलग कमेंट ना करें। थैंक यू। चलिए अब हम आपको सलवार बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सलवार है जो हमने आपको काट के दिखाई थी। अब हम इसको सबसे पहले इसकी, जैसे बेल्ट हमने पटियाला सलवार में तैयार करी थी, हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो आइए हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। बेल्ट को ऐसे करने के बाद इसको जहाँ से नेफा खोला था ऐसे पकड़ के इसे एक कट लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर कट हो गया, इसे रख देंगे। अब हम सेम पटियाला सलवार को उठाएंगे। सबसे पहले इसमें हम इसकी जो कलियाँ हैं, जो नीचे पार्ट कहते हैं हम इसको, इसको ऐसे रख लेंगे अपने पास, ठीक है। इसको अभी कुछ रखना अलग, ये कलियाँ आएंगी, कलियों को हम खोल के देखेंगे। इसके अंदर और कलियाँ हैं, ठीक है। छोटी वाली जो कलियाँ होंगी हमारी, जो हमने काट के दिखाई थी आपको, इस कलियों को इस हिसाब से लेना है दो को, और इनको सेंटर में जोड़ देना है आसन वाले हिस्से की तरफ। जब आप ऐसे जोड़ लेंगे इसको, तो जो इसका छोटे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की तरफ से आप ऐसे उठाएं और आप देखेंगे जहाँ से धागे निकल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वैसे ही कटिंग करी जैसे मैंने आपको बताया, तो एक तरफ धागे वाला आएगा, एक तरफ किनारी वाला आएगा। तो हम जहाँ से धागे निकलेंगे, हम वो वाले धागे वाले को धागे वाले से मिला के जोड़ देंगे। तो हम इसे जोड़ते हैं, इसे जोड़ने के बाद आप ऐसे करें और इसको इसको इस वाले से मिला के ऐसे जोड़ देंगे। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये कली ये आ गई, ठीक है, सेमी पटियाले की। आप इसको ऐसे अलग रख लें और इसी हिसाब से आप दूसरे वाले को भी जोड़ लेंगे। जब आप इसको सिलाई लगा लेंगे तो ये भी एक कली तैयार हो गई, ठीक है। फिर हम इसको जो हमारे पार्ट वाला हिस्सा था, जो इसका तो कट वाला हिस्सा ही नीचे की तरफ में आएगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस तरफ किनारी वाली है और इस तरफ धागे निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम धागे वाली को ऐसे रखेंगे और जब दूसरे वाली को उठाएंगे तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसमें जोड़ेंगे। तो हम इसको ऐसे फैला लेंगे, फैलाने के बाद इसमें देखेंगे धागे हमारे इस तरफ निकल रहे हैं, तो हम ऐसे मिलाएंगे और जैसे हमने कलियाँ जोड़ी थी ऐसे हम इसको भी जोड़ देंगे। जब आप इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आप इसको ऐसे पकड़ें और दूसरे वाले हिस्से को लें। दूसरे वाले हिस्से को लेने के बाद आप इसको मिलाएं और इसको भी ऐसे ही जोड़ दें। फिर आपका ये वाला हिस्सा जो होगा, आप इधर करने के बाद इसे किनारी वाली जो हिस्सा है इसको कली के दूसरी तरफ खोलेंगे, ठीक है। खोलने के बाद आप इसको भी मिला के सिलाई लगा लेंगे। आप इस पार्ट को भी उसी तरीके से ऐसे जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो इसके आसन वाला हिस्सा है, जो आसन वाले हिस्से को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ने के बाद आप देखें जब हम इसको इस हिसाब से पकड़ेंगे काफी घेरा है, ठीक है। इसे हमें अपनी बेल्ट में सेट करना है। कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है, यूं मिलाने के बाद ऐसे रखेंगे, देख लीजिए ऐसे मिलाएंगे। ये डबल हिस्सा है, ठीक है, डबल को हम ऐसे रख लेंगे और अपनी बेल्ट को यहाँ पे रखेंगे ऐसे। अब हम बेल्ट को इसके आसन वाले हिस्से की तरफ से नापेंगे, ठीक है। तो हम मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये मैंने पार्ट को ऐसे करके मिलाने के बाद कुटका लगा, एक कट लगा लिया है,
तो ये जो हमारा कट है आपको दिखाने जाऊंगा, ये वाला जो कट है हमारा, ये हमारा क्रीज वाला हिस्सा है जिससे हमारी सलवार की क्रीज गिरती है, तो ये वाली प्लेट हमें डालनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये मैंने पहले कट लगा लिया है। अब आपको मैं बता दूँ बेल्ट कैसे चढ़ाई है। आप इसकी बेल्ट के सिलाई वाले हिस्से से लेके ऐसे नापें तो हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, कट नहीं लगाना हमें। ठीक है, एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम करीब करीब 6 इंच पे ये कट लगा लेंगे। ठीक है, अब हम जब 6 इंच पे यहाँ कट लगाएंगे तो हम टोटल प्लेट तैयार कर, हमारी जो प्लेट तैयार आएंगी वो आएंगी 9 इंच में, जिससे कि हमारा 3 इंच का बैक में प्लेट डालने का मार्जिन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डालेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप अपने अंदाजे से डालेंगे। ठीक है, आपको टोटल 9 इंच में डालना है, तो आप इस हिसाब से पकड़ के लाएं और दूसरी तरफ वाला सेंटर वाला हिस्सा है जो इधर वाला हाथ में जो मार्जिन था, आप सेंटर वाले हिस्से को ऐसे रखेंगे और ऐसे सिलाई चलाएंगे। तो हम इसमें एक अंदाजा बना लेंगे कि हमें प्लेट किस हिसाब से उठा के डालनी है, जो कि 9 इंच में, एक तरफ की 9 इंच में, दूसरी तरफ की 9 इंच में, ठीक है, तैयार आ जाए। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगी 18 इंच की में प्लेटें। तो आप एक अंदाजा बना लें, तो मैं अंदाजा यहाँ से बनाता हूँ। मैं यहाँ से उठा के प्लेटें डालूंगा इतनी दूरी से, तो एक डालूंगा इतनी दूरी से डालूंगा, और कितने कम में डालूंगा वो मेरा एक अंदाजा होगा। इस हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ता है सिवी पटियाला में, और नाप के भी कर सकते हैं। जैसे हमने पटियाला सलवार में आपको दिखाया कि आप नाप के बना लें, आप नाप के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से बनाना बता रहा हूँ आपको। हम ऐसे कर लें और मैं इतनी दूरी में डालता हूँ प्लेटें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस हिसाब से थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा, इतनी इतनी दूरी में प्लेटें डाल लूँ ताकि मेरी 9 इंच तक आ जाए घेरे के हिसाब से। जब आप आ जाएँ इसके पास में आ जाए थोड़ा, तो आप देखेंगे अंदाज़ा लगा लें कि हमें यहाँ से यहाँ के बीच में कम से कम 4 प्लेटें डालनी है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल 20 इंच का जो होता है ना, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 4 प्लेटें आती हैं, तो हम इसका अंदाज़ा लगा लेंगे, थोड़ी कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ तक डाल लिया, अब यहाँ से यहाँ तक में हमें 4 प्लेट या 3 प्लेट आ जाए बहुत है, तो हमारी 3 प्लेट आ जाएंगी इसमें आराम से। हम 4 प्लेट नहीं तो 3, क्योंकि अर्ज होता है, अर्ज इसका कम है। देखिए तीसरी प्लेट हमारी क्रीज वाली आ गई, ये क्रीज वाला हिस्सा यहाँ से उठा के मैंने डाल दी तीसरी प्लेट। इस हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक भी 3 प्लेट आएंगी आपकी। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारा जो कुटका हमने लगाया था, ठीक है, मार्जिन का यहाँ तक आ गया। तो हम इसको प्लेट को नापेंगे, कितनी प्लेट आ रही है हमारी, हमारी प्लेट आ गई 8 इंच तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 इंच तक आ रही है, तो हम यहाँ से उठा के डाल दें ऐसे करके। ठीक है, अभी हमारी होगी 8.5 पे, तो 2.5 इंच की प्लेट है तो आ ही जाएंगी, कम से कम 2.5 इंच से 2.75 इंच तक। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से 2.5 इंच की प्लेट आएंगी। ये हमारी बेल्ट है, इसमें एक अंदाज़ा चलता है। ठीक है, अंदाजे से करना है, अंदाजे से कर लें। अगर प्रॉपर फिक्स बनाना है तो जैसे मैंने आपको पटियाला सलवार में बताया था, अब ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये आसन वाला हिस्सा है। ठीक है, अब मैं इस सेंटर वाले हिस्से से आसन मिलाता हूँ बेल्ट को, यहाँ से मिलाया मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है। तो मैं एक चौक का निशान लगा के आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो हमारी इतनी बॉक्स में आ रहा है पीछे जो प्लेट वाला हिस्सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे कट लगा लें, और जितनी आपने प्लेट उठा उठा के डाली है उतनी प्लेट उसमें उठा के डाल देंगे दूसरी तरफ, तो आपका बिल्कुल ओके आ जाएगा। तो आइए हम दूसरी तरफ प्लेट डालते हैं। तो आप इसको इस हिसाब से रखेंगे और ऐसे लगाएं सिलाई, फिर आप जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपने जिस हिसाब से वहाँ पे प्लेट डाली थी, ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे प्लेट डाल दें उतनी ही गैपिंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने प्लेट डाल ली और आप देखेंगे कि हमारा ये घेरा जो है इस हिसाब से आ गया,
हम इसको मिलाएंगे और मिलाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा ओके हो गया घेरा। आप इस घेरे में देखें, जब हम सेंटर वाला हिस्सा जो है सेंटर वाले हिस्से को पकड़ के दूसरी तरफ ऐसे पकड़ेंगे तो देखेंगे आप बिल्कुल इक्वल आ चुका है घेरा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बराबर घेरा आ चुका है। ठीक है, तो हमारा ये जब बराबर आ गया तो हमारा बिल्कुल इसका मतलब ओके प्लेट डली है। अब हम इसको बेल्ट चढ़ाएंगे, तो बेल्ट चढ़ाने के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे और चढ़ाने के बाद आप इसको इस बेल्ट के लिए इस हिसाब से रखेंगे और बेल्ट को पकड़ेंगे। बेल्ट पकड़ने के बाद आप इसको सेंटर से मिलाएंगे, मिलाने के बाद आप इसको आधे इंच के सुमारे लेके अब जोड़ेंगे। आप इसको इतनी दूरी से देखेंगे, जो हमने कुटका लगाया था ये हमारा कुटका कहाँ पर आ रहा है, हमारा कुटका कुटके से हल्का सा इधर आ रहा है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है और हमें सिलाई लगानी है। और हम जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस जगह से हमें प्लेट उठा के ऐसे रखना है तो हमारी एक प्लेट डल जाएगी। ठीक है, हम इसको सिलाई लगाएंगे। जब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे तो हम इसको इतना ही उठाएंगे और इसको रखेंगे। रखने के बाद हम सिलाई नहीं लगाएंगे अभी, हम इसको ऐसे देखेंगे और क्योंकि कभी कभी 19-20 हो जाता है कपड़े में खिंचाव की वजह से, तो हम इसको ऐसे करके देखेंगे कि प्लेट बराबर आ रही है, बड़ी आ रही है। तो आप देखेंगे पल्ला ये वाला बड़ा आ गया थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ी सी प्लेट इस वाले हिस्से को बड़ी डाल देंगे, हल्की सी बड़ी यहाँ से लेके ऐसे डालेंगे। तो अब ये हमारा बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा, अब हम इसे सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल हमारा फिक्स बैठ चुका है, ये हल्का सा इसमें वो है जिसकी वजह से यहाँ पर सिलाई थोड़ी मतलब यहाँ पर सिलाई लूज हो गई है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप इसको प्लेट को ऐसे पकड़े और अब सिलाई लगा सकते हैं हम। और रियाला मार्जन आगे कर दें और आप देखेंगे बिल्कुल फिक्स बैठ गया। तो जब आप इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो हमारी बेल्ट जम गई। अब इस बेल्ट को आप ऐसे करें, ठीक है, और सारा मार्जन ऊपर होना चाहिए बेल्ट की तरफ, और आप एक लब की सिलाई लगा लें। जब आप देखेंगे जब आपकी बेल्ट बन गई तो आपको मैं पोंचे बनाना भी दिखाऊंगा कि आप पोंचे कैसे बनाएंगे। ये देखिए बेल्ट हमारी लग चुकी है और आपको बताऊं ये हम पोंचे बनाने का हमारा स्टाइल बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कैसे हम पोंचे बनाएंगे, पोंचों के लिए हम इसको ऐसे करके मशीन हो तो मशीन पे इस हिसाब से नाप लें और इतना फालतू कम से कम 3 इंच फालतू पे निशान लगा लें। ठीक है, इतनी हमें डबल बुकरम लेनी है। अब देखेंगे आप जो हमने ये निशान लगाया इसको ऐसे करके नापें, 1 और ये 2। ठीक है, उसके बाद हमें इतना जोड़ चाहिए तो हम एक जोड़ ले लेंगे, इसको हटा देंगे। एक जोड़ हम इसको लगाने के बाद ऐसे लगाएंगे, ऐसे रख लेंगे, फिर हम कपड़ा छाटेंगे जितना हमें इसमें ज़रूरत होगी। तो हमें कपड़ा भी इतना ही लेना होगा, तो हम अंदाजे से लेंगे और कपड़ा ऐसे लेंगे कि जिस हिसाब से मोड़ें तो हमें बुकरम चमकनी नहीं चाहिए वरना पोंछा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नापते हैं, 1 आप इस पर जोड़ लगा लें। आप इसको डबल करके नापेंगे तो ये आपका निशान तक आ गया, तो ओके है। ठीक है, अब हम इसमें पोंछा जमाएंगे। पोंछा जमाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बुकरम को ऐसे रखेंगे, दोनों वाले हिस्से को बराबर बराबर मोड़ेंगे। तो हम इसमें अब सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ी थोड़ी दूर पर भी बुकरम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे तो आदत है तो मैं एक बार में लगाऊंगा सिलाई, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी दूर पर भी सेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसको आप ऐसे उठाएं, ठीक है, और एक सिलाई लगा लें। और जो ये सिलाई लगाएंगे आप, तो आप इसके कपड़े के इधर वाले हिस्से पे लगाएं ताकि बिल्कुल पैक हो जाए, बुकरम बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। जब आप ऐसे कर लेंगे तो मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सीधा हिस्सा है, ये मेरा उल्टा हिस्सा है। सीधे हिस्से पे हमने निशान लगाया, उल्टे हिस्से पे हमारा कपड़ा है। अब हमें इसे अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कि इधर सबसे इधर वाले सीधे पे सबसे इधर एक लब की सिलाई लगाएंगे, थोड़ी दूर तक, करीब 1 इंच या 7 इंच की दूरी पे करने के बाद हम सलवार लेंगे। और सलवार लेने के बाद हम इसको, ये देखिए मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने निशान लगाया, थोड़ा जो मार्जन फालतू काट लें। ठीक है, ये जो निशान लगाया ये सीधा हिस्सा है हमारा।
आपको निशान नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमने जो निशान लगाया ये हमारा सीधा हिस्सा है, ठीक है। हम सीधे हिस्से पे इसको करीब इतना इतना जो हम मैं निशान लगा रहा हूँ, अब आधा इंच की गैपिंग में आप इस पर इस हिसाब से रखें और इस पर लप की सिलाई मारें। और दूसरी बात, आप कपड़े पे झोल मत देना वरना पोछा नहीं जमेगा। आप कपड़े को सीधा रखें बिल्कुल स्मूथ, और बिल्कुल सीधा रखने का इससे लप की सिलाई मारेंगे। जब एक इस हिसाब से आप पूरे पोछे पे सिलाई मार लें। जब आप मारने का इतनी दूरी तक ले आएंगे करीब 3 इंच की तक, ठीक है, तब उसके बाद इसका जायजा लेंगे कि बुकरम हमारी हो जाएगी या नहीं। तो हमारी देखिए बुकरम बिल्कुल बराबर बैठ रही है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे वाले पोछे को भी उठाएंगे और दूसरे वाले पोछे को भी इसी हिसाब से हम जमा देंगे, और फालतू कपड़ा जो भी होगा हमारा कली वाला इसे काट देंगे। फिर हम इसको हम इसमें जमाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जब हम इसको इस हिसाब से जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा इस हिसाब से आएगा। ये हमारा चौक वाला जो निशान है ये ऊपर सीधा है, ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब आप इसको इस हिसाब से रखें, और सबसे पहले क्योंकि हमें मैं जहाँ मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर की डिमांड है सीधी सिलाई वाले पोछे की, तो हम सीधी सिलाई वाले पोछे बनाएंगे। उसके लिए हम सीधा सिलाई कैसे मारेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर एक लप की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लप की सिलाई मारेंगे तो हम कपड़े को इस हिसाब से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। फिर आप जब ऐसे कर लेंगे तो ये जो ये वाला हिस्सा है कली वाला, इसको यू नहीं रखना, ठीक है, इस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा आपको ऐसे भी नहीं रखना टेढ़ा मेढ़ा, ये बिल्कुल कली सीधी आनी चाहिए। अगर आप सीधी सिलाई लगाएंगे तो आपकी कली भी सीधी बैठेगी, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कली को सीधा ही रखें हमेशा और इसका मार्जिन उस तरफ जाने दें, ठीक है। तो अब इसको हम सबसे पहले इधर लप की सिलाई मारी थी, अब हम सबसे इधर वाले में मारेंगे और ध्यान रखेंगे कपड़े में कोई भी झोल ना आए, ठीक है। इसको इस हिसाब से करने के बाद आप एक सिलाई इसके ऊपर मारेंगे सबसे इधर वाले पे। जब आप इसमें सिलाई मारेंगे, आइए मैं आपको अब समझा देता हूँ इसमें सिलाइयाँ कैसे लगेंगी। देखिए जब ये दो सिलाइयाँ लग के हमारा पोंछा जम जाएगा तो हम सबसे पहले इन दोनों के सेंटर में सिलाई मारेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों के सेंटर में सिलाई मारेंगे, ठीक है, इन दोनों के पहले सबसे सेंटर में, फिर इन दोनों के सेंटर में, ठीक है, फिर इनके सेंटर में, फिर इसके सेंटर में, फिर यहाँ भी एक सेंटर लें, फिर इसके यहाँ पर सेंटर लें, फिर एक सेंटर लें, टोटल 9 सिलाइयाँ आएंगी आपकी। तो सबसे पहले हम सेंटर वाले में सिलाई मारते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पोछा बन चुका है, अब हम इस पोछे को जमाएंगे कैसे, तो आपको जमाने का तरीका बताता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारी ये जो सिलाई लगा निशान लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि कपड़ा कुछ हल्का है तो आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ मैं। ये निशान लगाया मैंने, ये निशान लगाया, ये हमारी कली की सिधाई है, ठीक है। आप इस निशान को यानी ये जो कली वाला हिस्सा है कली से कली को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो हम इस हिसाब से रखेंगे तो ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। ये देखें आप, ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा, इसे हो जाएगी हमारी क्रीज, ठीक है। हम इसको ऐसे रखेंगे, हमारा पोंछे की लेंथ है इसकी 6 इंच, तो हम इसकी 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको इस हिसाब से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और 6 इंच पे निशान लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका मार्जिन देखें कि कितना तिरछा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रखेंगे, जितना तिरछा होगा उसी हिसाब से रखेंगे, और यहाँ पर अब हम इसको जोड़ेंगे, पक्का कर लें, फिर उसके बाद इसको इस हिसाब से रखें, देखिए इस हिसाब से पकड़ें और यहाँ पर अब सिलाई लगाएं। मार्जिन ये वाला इधर ही आना चाहिए, नीचे का भी ऊपर का भी, ठीक है, और सिलाई लगाएं। यहाँ पे रोक लें, यहाँ रोकने के बाद आप इसको आसन की तरफ से ऐसे ऐसे करके ले जाएं और आसन को ऐसे पकड़ें, फिर थोड़ी दूर पर इसको इस हिसाब से पकड़ लें, और आप देखें कि आपका जब बराबर बैठ जाए तब आप इसको सिलाई लगाएं। इस हिसाब से सिलाई लगा के आधा इंच के इस पास आ जाएंगे, तो आप आधा इंच तक इतनी ही चौड़ी सिलाई मारते हुए आसन तक उतार दें। आसन को हमेशा ऐसे ही जोड़ें, और जिस हिसाब से आप और जितना भी फालतू कपड़ा होगा उसको हम काट लेंगे। और जिस हिसाब से हमने इस पोछे को जोड़ा था हम दूसरे पोछे को भी इसी हिसाब से जोड़ देंगे, ऐसे कर लें और इसको निशान उठा लें, ठीक है, और इसको भी वैसे जोड़ दें।
तो दोस्तों ये हमारी सेमी पटियाला सलवार जो है ये हमारी बन चुकी है। अब हम इसको सिलाई चटका के, जैसे मैंने आपको पटियाला सलवार में बताया था, सिलाई चटका के आप इस पर एक सिलाई और मार लेंगे तो आपका ये सलवार कंप्लीट हो गई। आइए अब हम, अब इसकी सेमी पटियाला सलवार हमारी बन गई और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी, ये मतलब किस हिसाब से गिरती है और इसकी प्लेट कैसे आती है, तो आपको मैं सीधी करके दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी इस हिसाब से ही पटियाला सेमी पटियाला सलवार आएगी, ठीक है। आप पीछे से देखें और आगे से देखें, ये हमारा कॉटन का मतलब कपड़ा है, तो जी जब ये बांधेगी तो ऑटोमेटिक पीछे फॉल आ जाएगी, ठीक है। आइए हम अब ग्रीन वाले आपके जो सिंपल सलवार है, जो मैंने आपके कुंदे वाली ऑल ओवर सूट की कटिंग करके दिखाई है, आखिर उसमें जो कुटके लगाए वो क्यों लगाए और किस हिसाब से जुड़ेगी मैं उसको आपको दिखाता हूँ। आइए तो ये हमारी सिंपल सलवार जो आपको मैंने दिखाई थी, ये हमारी बेल्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो बेल्ट हम जैसे बनाते हैं आप बेल्ट को वैसे तैयार कर ले, ठीक है। इसमें मैं आपको मेन चीज़ बताऊँगा, हमने सलवार में ये चीज़ें काटी थी, ये हमारी कली थी और ये हमने ऐसे करके काटी थी, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटर वाला हिस्सा है और ये हमने हमारे कुटके हैं, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे आपको मैं बताता हूँ। आप इसको ऐसे लें, सबसे पहले इन चारों कलियों में से दो कली लें और इसको सेंटर में, ये आसन वाला हिस्सा है हमारा, इसको हम जोड़ लेंगे। जब आप इसको इस हिसाब से जोड़ लेंगे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लें और ऐसे ले के आप ऐसे रखें, ठीक है। फिर इसका एक हिस्सा यूँ उठाएं और यहाँ पर आप इस कलियों को, ठीक है, ये वाला हिस्सा नीचे रखना है मार्जिन के लिए, और आधा इंच का मार्जिन लेके आप इसे जोड़ दें। फिर जब आप कर लेंगे तो आप इसको ऐसे पकड़ें और ये वाला हिस्सा आपका देखेंगे कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ घुमा लें, दूसरी तरफ घुमा के जैसे आपने वहां पे बनाया था आप इसको भी यहाँ पे ऐसे जोड़ लें। तो आप ये देखेंगे हमारी इस हिसाब से जुड़ गई, लेकिन कलियां नहीं है, तो कलियों के लिए हमने जो कुट कट लगाए थे आपको कट दिखाऊं मैं, ये हमारे कट हैं, ठीक है। आप इस कट को ऐसे पकड़े इसी सिलाई में नीचे जाएंगे, ठीक है, जो हमने नीचे भी कट लगाए थे, आप इसको ऐसे मिला लेंगे। जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो आपका ये हिसाब किताब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे खींच के एक पैर का मार्जिन लेके आप इसको एक सिलाई लगा लें। देखिए जब आप सिलाई लगा लेंगे इस पर, इस हिसाब से एक पैर की सिलाई आ गई, ठीक है, ये आपकी एक पैर की सिलाई आ गई। और आप इसको सीधा करके देखेंगे तो आपके ऐसे लगेगा कि ये कली है, ठीक है। इसी हिसाब से आप जहाँ जहाँ पे आपने कुटके लगाए हैं आप इसको मिला के, ऐसे मिला मिला के वहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा लें, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि हमने चारों सिलाई मार ली, और चारों सिलाई मारने के बाद आप देखें कि हमारी कुछ इस हिसाब से सलवार दिखेगी, ठीक है। इधर भी देखिए, ठीक है, दिख गई। आप इसको दो जो कली हमने बनाई है आप इसको ऐसे मिला लें और इसको ऐसे कर लें, ठीक है। और करने के बाद ना चारों को आपस में मिला के यहाँ पे कट मार दें। तो दोस्तों ये हमारी आगे सेंटर वाला हिस्सा, बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा जहाँ से एक प्लेट उठा के डालनी जरूरी होती है ताकि हमारी प्लेट आए, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हैवी साइज होता है, बहुत हैवी साइज होता है, और बेल्ट मान लो 32 इंच के आसपास बेल्ट है, ठीक है, तो उसमें घेरा कम पहनना अच्छा पसंद करता है कोई, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको क्रीज की प्लेट उठाएं, क्योंकि आपका प्लेट यहाँ तक ही मार्जन हो जाता है ख़त्म, तो आप प्लेट तक नहीं आएंगे, तो जरूरी नहीं कि आप प्लेट तक डालेंगे, लेकिन 99.9% लोग यहाँ से प्लेट उठा के डालेंगे, ठीक है, कोई भी होगा। तो ये आपकी इस हिसाब से सलवार बन जाएगी, और जिस हिसाब से मैंने आपको बेल्ट चढ़ाने के लिए बताया था कि आप उसमें बेल्ट जो निशान आ रहा है उसे 6 इंच कम कर लें, 6 इंच कम करने के बाद आप टोटल उसको 9 इंच या 8.5 इंच यानी 2.5 या 3.25 इंच की प्लेट बैक में आनी चाहिए, जिससे कि पीछे हमारे जब बैठते हैं तो पीछे एक फैलाव पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम प्लेट नहीं डालेंगे तो वहाँ से सलवार की बेल्ट वेल्ट फट जाएगी, ठीक है। तो ये प्लेट मतलब डालनी जरूरी होती है, तो आप 2.5 से 3 इंच के बीच में प्लेट डाल सकते हैं,
तो आपकी ये सलवार मैंने बना के दिखा दी, क्योंकि ऑल ओवर सूट हुई मैंने आपको कटिंग दिखाई थी, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम मैं मतलब बता नहीं पाया था क्लियर कि ये सलवार काटी तो है, बनेगी कैसे। तो हमारी सलवार ये ऐसे बनती है। अभी हमारा हो गया, अब सेम काम वही करना है जो हमने सेमी पटियाला सलवार में करा है। आप इसको बेल्ट चढ़ा लें, बेल्ट चढ़ाने के जैसे पोचे बनाते हैं, पोचे बना के इसको जोड़ दें, तो ये आपकी सलवार तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।